हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ बाडी हर्बल्स की आमला एंड शिकाकाई शैम्पू का विथ रीठा एक्सट्रैक्ट। तो इसका शॉर्ट रिव्यू मैंने मतलब शॉर्ट्स में डाला था, मिनी रिव्यू। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि इसका एक डिटेल रिव्यू करने, तो वही मैं करने जा रही हूँ। तो ये आता है, ये दो क्वांटिटी में आता है, एक बड़े बॉटल में भी आता है। मेरे पास जो क्वांटिटी है वो है 110 ml की। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, इसकी बड़ी बॉटल भी आती है। बट मैं छोटी बॉटल ही लेती हूँ क्योंकि इन केस मुझे ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल फ्रेंडली रहती है। तो इसकी प्राइस है 115 rupees और एक्सपायरी दी गई है इसकी 3 साल की। बट आप ये मत सोचिएगा कि 3 साल दी गई है तो 3 साल आप यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज मेंशन रहती है, एक लोगो रहता है जिसमें बॉटल ओपन किया हुआ रहता है, वहां जो लिखा हुआ रहता है ना, मतलब वो ओपन करने के बाद आप इसे 12 months तक यूज कर सकते हो क्योंकि ये एक प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट है इस वजह से। तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, वो साइन जो होता है ना, आप उसी से समझ जाओगे कि ओपन करने के बाद आप कितने दिनों तक यूज कर सकते हो, मतलब इसकी एग्जैक्ट एक्सपायरी कितनी है, ठीक है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो है आमला, शिकाकाई और रीठा है। आमला आपके हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, शिकाकाई एज अ कंडीशनर वर्क करता है, सॉफ्टन करता है आपके हेयर को, रीठा आपके हेयर में एक शाइन लाता है और बाउंस लाता है। तो मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और मैंने एक सेकेंड बॉटल भी ले ली है अभी रिसेंटली। अगर आपने मेरा नायका हॉल देखा होगा तो उसमें मैंने ये बॉटल ली है। इसमें ना ये ऐसी ही आती है, बस इसमें ना देखिए आप देख सकते हो कि इसमें ना टेप रहती है सामने से, मतलब इसके ढक्कन बंद करने के लिए यहाँ पे बस एक टेप लगाई हुई रहती है। तो मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल जेल लाइक है, लेकिन विंटर टाइम में क्या होता है ना, वो जेल बहुत ज्यादा थिक हो जाता है और निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है विंटर टाइम में। सच में मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी शॉर्ट, मतलब इतनी ज्यादा परेशानी होती है ना, मैं निकालती रहती हूँ, निकलता ही नहीं है। विंटर टाइम में ये काफी ज्यादा थिक हो जाता है, लेकिन समर टाइम में इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लिक्विड ही रहती है। तो इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रहती है। और बात करूँ कि इसकी क्लेम्स की, तो ये जो क्लेम्स करता है ना वो बिल्कुल सही है क्योंकि इसने मेरे हेयर फॉल को रिड्यूस किया है और इसको लगाने के बाद मुझे कोई भी कंडीशनर की नीड नहीं पड़ती है क्योंकि ऐसे ही ये ना आपके हेयर को मॉइस्चराइज रखता है। ये आपके हेयर को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा, आपके स्कैल्प में से ये सारी गंदगी निकाल देगा और साथ ही साथ आपके हेयर को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बना देगा, आपको ना कंडीशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बस ये है कि आपको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ये लैदर थोड़ा कम करता है, एज ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये लैदर थोड़ा कम करता है। अगर आपको मतलब आदत है कि हाँ बहुत ज्यादा हो तो आपको क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन ये आपके हेयर को वाकई में बहुत ही स्मूथ बना देता है। इसने मेरे हेयर को काफी स्मूथ बना दिया है। अभी तो फिलहाल मेरे हेयर बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि मैं बीमार थी एंड हॉस्पिटलाइज थी, मैंने नायका हॉल में आपके साथ शेयर किया था। तो अगर आपको ये डिटेल रिव्यू पसंद आई होगी तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।